सरोकार। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा झाबुआ जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पेटलावाद, थांदला और झाबुआ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र दिया। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत कर ले, यदि बूथ मजबूत हो जाएंगे तो पार्टी की विजय निश्चित है। तो देखिए, प्रदेश के 29 सीटों पर जीत का मंत्र दिया है डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने, और झाबुआ में पहुंचे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने और कहा है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूती देनी होगी, और अगर बूथ स्तर को मजबूत कर लिया तो समझिए जीत सुनिश्चित है। झाबुआ में विकास खंड घनसौर के बिनैकी रेलवे स्टेशन में घनसौर मार्ग तक बरसों से ग्रामीण कीचड़ से परेशान थे, जहां बरसात के दिनों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद ग्रामीणों की समस्या और छात्रों की समस्या को देखते हुए झाबुआ पावर प्लांट NTPC ने ग्रामीणों की समस्या निदान करना प्रारंभ किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की जांच की गई, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए और एक प्रत्याशी का नामांकन अस्वीकृत हुआ है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी, स्वतंत्र और भयमुक्त करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मदनपुर चेकपोस्ट का अचानक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मौके पर नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच प्रक्रिया को देखा और SST दल को आवश्यक निर्देश दिए। छब्बीस अप्रैल को होने जा रहे द्वितीय चरण के लोकसभा चुनाव के तहत जो जरूरी तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं, और इसी के तहत होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के थाना अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बतलाया कि निष्पक्ष, निर्भीक और भय रहित होकर 100% मतदान करें। नर्मदापुरम लोकसभा में जो चुनाव है 26 तारीख को, उसको लेकर के लगातार हम फोर्स डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। सभी जितने भी लोगों को बाउंड ओवर किया गया, सभी को रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड हमने दिया है। फिर से हम लोगों ने जो है उन्हें जागरूक किया है, पब्लिक को जो स्वीप कैंपेन है उसके तहत हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं। थानों पे भी जो है स्वीप के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और लगातार फ्लैग मार्चेस किए जाएंगे। प्रयास ये रहेगा कि किसी भी तरीके से लोग जो है अफेक्टेड ना हो। ग्वालियर में एक नाबालिग का अपहरण कर उसे दिल्ली के रेड लाइट एरिया में देह व्यापार में ढकेलने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही नाबालिग अपनी सूझबूझ से उनके चंगुल से भाग निकली। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर एक महिला समेत 2 लोगों को आरोपी बनाकर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली में पिछले माह 22 मार्च को एक नाबालिग बच्ची, उम्र इसकी लगभग 17 वर्ष है, गायब हो गई थी, जिस पर से 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। हमारी सर्विलांस पे हमने उसको लिया था और लगातार पूछताछ कर रहे थे, जिस पर से पता लगा कि जो नाबालिग बच्ची है वो दिल्ली में है, दिल्ली से उसको बरामद किया है और उसको दस्तयाब करके उसके स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं, जो भी बयान के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर के जनकगंज की रहने वाली विवाहिता को बच्चे की हत्या की धमकी देकर लगातार 6 महीने तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद परेशान महिला ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जनकगंज में विवाहिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनके पड़ोस में एक युवक रहता था और करीब 5-6 माह पूर्व जो है युवक ने मौका पाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया पड़ोसी ने, और उनको जान से मारने की धमकी दी, और बच्ची क्योंकि उनकी बीमार थी बहुत ज़्यादा तो उसके इलाज में व्यस्त रही, और जब उनका थोड़ा दर कम हुआ तो उनके द्वारा कल जो है जनकगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनकी रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा धारा 376-506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है दुष्कर्म की धाराओं में, और विवाहिता से दुष्कर्म की ये वारदात, संगीन वारदात ग्वालियर से सामने आई है। जनकगंज थाना इलाके का ये पूरा वाकया है और ग्वालियर पुलिस पूरी तरीके से अब हरकत में आ चुकी है। विवाहिता से दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई और इसके बाद जब वो पुलिस की चौखट पर पहुंची तो पुलिस ने फौरन जो है मामले को दर्ज किया है, संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एक महिला, विवाहित महिला जो अपने घर परिवार को संभाला करती थी, लेकिन अचानक उसके जिंदगी में एक ऐसी वारदात सामने आती है जिसे अब वो पुलिस की चौखट पर आ पहुंची है। जनकगंज थाना इलाके की ये घटना है। दुष्कर्म पीड़िता पुलिस की चौखट पर पहुंची है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने फौरन मामले को संज्ञान में लिया है और जांच का भरोसा दिया है। पांडुना के सोसर इलाके में रेत के डंपरों के मनमानी के चलते आए दिन सड़क हादसों की खबरें आती रहती है, जिसके तहत लोधीखेड़ा थाने के औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम साईखेड़ा के पास एक तेज रफ्तार डंपर ट्रैक्टर के ऊपर पलट गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। क्या हुआ बताओ? हम गेहूं लेके जा रहे थे फिल्टर के लिए, अच्छा। पार से पिपला फिर साईखेड़ा तक पहुंचे, पुलिया तक, तो वहाँ पे डंपर आया उधर से, ड्राइवर दारू पीते था, वो डंपर बहुत स्पीड में था तो उसने पलटिच कर दिया। अच्छा, ट्रैक्टर के ऊपर पलट दिया? ट्रैक्टर के ऊपर पलट दिया। ये वारदात जिसमें और रेत से भरे डंपरों की मनमानी लगातार जारी है। पांडुना का ये वाकया है, तेज रफ्तार डंपर ट्रैक्टर के ऊपर जा पलटा और इससे 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा के ग्राम भामा से नन्ही देवरी के उटानी जा रही बस केसपुरी थाना इलाके के धनकुआ के पास पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 45 से 50 लोग सवार थे, जिसमें से 18 लोग घायल और 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें इलाज के लिए करीबी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और इनकी हालत ज़्यादा गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल केसपुरी थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी है। सागर में बीते एक सप्ताह पहले रैली थाना इलाके अंतर्गत आने वाले ग्राम चांदपुर में नवरात्रि के वक्त गुम हुई नाबालिग का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इसके बाद रैली थाना पुलिस की उदासीनता से परेशान आकर परिजनों ने अनुविभागीय अधिकारी से नाबालिग का पता लगाने की गुहार लगाई है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए SDOP प्रकाश मिश्रा ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कब भाग गई थी? 12 तारीख की रात 1:30 या 1:30 बजे। रिपोर्ट कर दी थाने में? कछु कार्रवाई हुई है? पुलिस को का कह वो है? लड़की हमें दिखाया तो। पुलिस को का कह वो है? भाई साहब को जो कह वो कि लड़की आप भाई रखे, आप रखे हो? नाटक कर रहे हैं आप? नाटक कर रहे हैं? ये के पहले की तरफ से कोई सहयोग नहीं किया जाता? 7 दिन से का कार्रवाई भाई पुलिस की? थाना रैली में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची अपने घर से गायब है। सूचना पर FIR कायम कर ली गई है और उसकी रजिस्टर की जा रही है। सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है 12 तारीख से लेकर अभी तक, और भगा चिल्ला कर भगा दिया जाता है, ये सही है या? पुलिस देखिए विवेचना के हर पहलुओं पर बारीकी से जाँच कर रही है। अभी जो भी तकनीकी साक्ष्य मिले उसके आधार पर भी आगे हम जाँच कर रहे हैं। चुनावी आदर्श आचार संहिता के चलते अवैध मादक पदार्थों के धंधे से जुड़े लोगों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते ग्वालियर की हजीरा पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 5 लाख के अवैध मादक पदार्थों को बरामद किया गया है। ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ, अवैध फायर आर्म्स और अवैध शराब के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता में पालन कराया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जो है कल हजीरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उनके क्षेत्र का एक मुन्नू उर्फ संतोष तोमर
अवैध मादक पदार्थ अपने घर से बिक्रय कर रहा है। उक्त सूचना पर हाजीरा पुलिस ने उसके घर पर रेड की और रेड की तो उसके कब्जे से 3 किलो गांजा और 3 ग्राम स्मैक की पुड़ियाँ बरामद हुई। धारा NDPS एक्ट के तहत जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से जब पूछताछ किया गया कि गांजा और स्मैक कहाँ से लेके आया था तो उसके द्वारा बताया गया कि एक महिमा मोहनी उर्फ गुड़िया द्वारा उसको सप्लाई किया जाता था। गुना शहर के रुठियाई रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल रूम में रखी बैटरी में आग लग गई और कंट्रोल रूम में लगी आग के कारण रुठियाई रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां इसकी जानकारी तत्काल रेलवे कर्मचारियों के द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजहों का मामला जो है अभी भी संज्ञान में लाया गया है, लेकिन अभी भी इसकी जो है तह तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। ग्वालियर शहर के पौष इलाके AG ऑफिस से पुल के पास स्थित संगम वाटिका में भीषण आग लग गई, जहां घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छिंदवाड़ा के राजपाल चौक में एक लव ट्रायंगल का वाकया सामने आया, जहां पर राजपाल चौक में रहने वाली एक युवती के 2 प्रेमियों में आपस में विवाद होने पर एक युवक ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे घायल युवक की गले की मुख्य नस 35% क्षतिग्रस्त हो गई और युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल से नागपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और ग्वालियर क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने हथियारों की खेप ले जा रहे हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जहां पकड़े गए तस्कर से 32 mm के पिस्टल सहित 6 पिस्टल, जिंदा राउंड और कार बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है। ये कुछ दिन पहले 10 अवैध पिस्टल हमने पकड़ा था ग्वालियर क्राइम ब्रांच में। उसमें आपको याद होगा कि 2 हथियार भेजने वाला और 2 खरीदने वाला पकड़ा गया था। 2 हथियार भेजने वाले के PR लेके पूछताछ किया तो एक नाम सामने आया था सत्येंद्र रावत बोल का। उसके ऊपर थाना डबरा सिटी में इस साल एक 307 की अपराध पंजीबद्ध है, उसमें 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। इस बीच मध्य प्रदेश के सिवनी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महिला के साथ ठगी की अंजाम वारदात को अंजाम दिया गया है। ठगी की वारदात सिवनी में महिला के साथ और महिला के ज्वेलर जो है नकदी के साथ ले गए हैं ठग। ये ठग कौन है फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है, लेकिन कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई है। ये बड़ी खबर सिवनी से आप तक पहुंचा रहे। CCTV कैमरे में युवकों की तस्वीर कैद हुई है। कोतवाली थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से CCTV कैमरे में महिला के जेवर और साथ ही साथ नकदी भी ले जाते हुए लोग देखे जा सकते हैं। अज्ञात युवकों पर FIR दर्ज की गई है, लेकिन जो खबर है वो यही कि महिला के जेवर और साथ ही साथ नकदी लूट कर ठग कर फरार हो गए हैं बदमाश। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अब FIR दर्ज हो चुकी है। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार दूसरे दिन कोरबा जिले के दौरे पर रहे, जहां पर वो जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र पाली तानाखर विधानसभा के पसान में मौजूद रहे और उन्होंने कोरबा लोकसभा से भाजपा कैंडिडेट सरोज पांडे के पक्ष में प्रचार किया, जो कि मंच पर ही मौजूद रही। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेसी झूठ बोलने में बहुत माहिर है, भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस पार्टी, और इसलिए एक छत्र रूप से शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक 55-60 साल तक एक छत्र रूप से शासन किए, आज उनकी स्थिति कहाँ पहुंच गई है, उनको खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कहना चाहिए। देश की जनता उनको नकार चुकी है, देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है और हम लोग कोरबा सहित छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीट भारी मतों से मतलब जीत रहे, भारतीय जनता पार्टी जीत।
उधर सुकमा जिले के नक्सली कमांडर के गढ़ कहे जाने वाले इलाके से मतदान दल मतदान कर वापसी कर रहे हैं, जहां मतदान कर्मियों ने कहा कि हम नक्सल इलाके मतदान कराए हैं और हमें नक्सल प्रभावित इलाका है, डर था लेकिन सुरक्षा बलों के बेहतर तालमेल से बहुत ही अच्छे से मतदान करवाकर हम वापस आ गए हैं। इस बार बिना इंसिडेंट अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरह से हुआ है। अंदरूनी क्षेत्र में भी बिना इंसिडेंट पूरा पोलिंग प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा टीम वापस आना बाकी है, इसलिए हम नहीं कर। सूरतपुर जिले के विकास खंड रामानुज नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कलेक्टर रोहित व्यास ने स्वीप अंतर्गत बाइक रैली और पैदल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें सर्वप्रथम कलेक्टर के द्वारा मतदान करने के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद रैली में नगर भ्रमण करते हुए सुभाष चौक में मानव श्रृंखला बनाकर नारे के साथ मतदान करने की अपील की गई। अंबिकापुर से रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा बेहाल नजर आ रही है, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें चौकीदार मरीजों को इंजेक्शन लगाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल पीठ दर्द से तड़प रहे बुजुर्ग को अस्पताल परिसर में इलाज के लिए लाया गया था, जिसके बाद परिजन घंटों तक डॉक्टर और नर्स को खोजते रहे, लेकिन डॉक्टर और नर्स ड्यूटी से गायब थे और सभी अस्पताल परिसर में केवल चौकीदार मौजूद था, जो अन्य मरीजों को भी इंजेक्शन लगा रहा था। इसके बाद परिजनों ने चौकीदार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। गौरेला पिंडरा मरवाही में शादी समारोह में शामिल होने गए स्कूली छात्रा से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने छात्रा को जंगल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और छात्रा के बेहोश होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।